हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि आईयूपीएसी सिस्टम से एमीन का नामकरण। तो जब मैंने फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को बताए थे जिस वीडियो में, तो उस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमीन्स जो हैं वो तीन टाइप के एमीन्स होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन, मतलब प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। और तीनों के सिंबल भी मैंने आपको बता दिए थे, तो फिर से बता देती हूँ कि जो प्राइमरी एमीन है उसको हम उसका फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स लगाते हैं हम, एमीन को प्रीफिक्स की तरह भी लगा सकते हैं या फिर हम इसको सफिक्स की तरह भी लगा सकते हैं। तो प्रीफिक्स अगर लगाते हैं तो इसका नाम एमिनो होता है, या फिर सफिक्स अगर लगाएंगे तो सफिक्स में इसका नाम एमीन ही नाम के एंड में लग जाता है। तो इनका नाम जो है आईयूपीएसी नाम जो है आईयूपीएसी नेम जो एमीन का होता है वो एमिनो एल्केन या फिर एल्केना एमीन हो जाता है, यानी कि एमिनो मेथेन, एमिनो ब्यूटेन, एमिनो प्रोपेन, एमिनो एथेन, या फिर मेथेना एमीन, इथेना एमीन, प्रोपेना एमीन, इस तरीके से इनका नाम हो जाता है। तो ये प्राइमरी एमीन के लिए नोमेनक्लेचर है। तो इसके एग्जांपल बता देती हूँ प्राइमरी एमीन में, कि फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है कार्बन चेन के साथ में CH2 NH2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के साथ में लगा हुआ है, तो सिंपली इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम होने की वजह से, सॉरी यहाँ पे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो मीथेन, या फिर हम इसको मिथेना अमीन भी बोल सकते हैं, मिथेना अमीन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया एग्जांपल दिया हुआ है NH2 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो जगह एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो नंबरिंग इधर से करें उधर से करें बातें की है, 1 2, यानी कि एथेन के साथ में एमीनो लगे हुए हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन लिख देंगे 1, 2 डाई एमीनो, और लगा कौन सा कार्बन चेन है, इथेन की, तो इथेन लिख देंगे। और CH3 CH2 CH2 NH2, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो जिधर से एमीन ग्रुप लगा हुआ है हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, तो 3 कार्बन चेन के साथ में एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम एमिनो 1 पोजीशन पे लगा हुआ है तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, 1 एमिनो प्रोपेन, या फिर हम इसको प्रोपेना एमीन भी बोल सकते हैं, प्रोपेना एमीन। तो जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन सिंपली जो है इस तरीके से नोमेनक्लेचर इनका हो जाता है, कि जहाँ पे भी जिस भी कार्बन चेन के साथ में लगे होंगे तो वो एल्केन एमिनो नाम के आगे जो है प्रीफिक्स एमिनो या फिर नाम के एंड में एमीन लगा के उनका नोमेनक्लेचर सिंपली तरीके से कर दिया जाता है, कि एमिनो मेथेन, एमिनो प्रोपेन, एमिनो ब्यूटेन, एमिनो एथेन, या फिर 1 2 डाई एमिनो, 1 2 एमिनो एथेन, एमिनो ब्यूटेन, इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करते जाते हैं। जो सेकेंडरी एमीन होते हैं, सेकेंडरी एमीन, तो सेकेंडरी एमीन 2 बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। सेकेंडरी एमीन का सिंबल होता है ये, प्राइमरी एमीन का सिंबल ये दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको।
एनएच यानी कि दोनों तरफ से कार्बन चेन जुड़ी हुई होगी, ये बीच में आएंगे ये वाले ग्रुप, तो सेकेंडरी एमीन में और टर्शरी एमीन भी सेम इसी तरीके से वो तीन तरफ से जुड़े हुए होंगे कार्बन चेन के साथ में। तो सबसे पहले सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल CH3 NH CH3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एमीन जो ग्रुप अमीन ग्रुप लगा हुआ है सेकेंडरी अमीन ग्रुप, तो इसमें से किसी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको तो हम एल्केन मान लेंगे, मतलब पेरेंट एल्केन मान लेंगे, और जो दूसरी तरफ चेन लगी हुई होगी उसको हम एल्काइल ग्रुप मान लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ ही CH3 CH3, मतलब दोनों तरफ ही इक्वल नंबर के कार्बन एटम वाली चेन लगी हुई, तो हम दोनों में से किसी एक को एल्केन मान लेंगे और किसी एक को एल्काइल ग्रुप मान लेंगे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल इधर मान लिया कि ये एल्केन की चेन है यानी कि मेथेन लगा हुआ है, तो सिंपली इसका नाम तो एमिनो मेथेन लिख देंगे, एमिनो मेथेन। और जो एमीन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस एल्काइल ग्रुप का नाम हम यहाँ पे नंबरिंग ना लिख के यहाँ पे एन लगा के लिखते हैं। तो यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ में कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एमिनो ग्रुप के साथ में, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल एमिनो मेथेन, एन मिथाइल एमिनो मेथेन। इसी तरीके से मान लिया एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 NH CH2 CH3, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ दो कार्बन चेन वाली है और एक तरफ एक कार्बन चेन वाली, तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन चेन वाली है उनको तो हम पेरेंट एल्केन मानते हैं, तो उनका नाम हम ये प्राइमरी एल्केन की तरह उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, और जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस एल्काइल ग्रुप को हम एन लगा के नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन मिथाइल, और यहाँ पे इथेन के साथ में एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो एमिनो इथेन। अब अगर मान लिया दिया हुआ है एग्जांपल CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमिनो ग्रुप में दोनों तरफ इथाइल मतलब दोनों तरफ ही दो दो कार्बन एटम वाले चेन हैं, तो एक को हम मान लेंगे पेरेंट एल्केन और एक को मान लेंगे हम एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने एक को मान लिया तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, एन इथाइल, क्योंकि एक चेन को हमने इथाइल ग्रुप मान लिया है, एन इथाइल, और एक को हमने पेरेंट एल्केन मान लिया है तो एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एमिनो लगाएंगे, एन इथाइल एमिनो इथेन। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल बता देती हूँ, CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3, तो यहाँ पे एक तरफ लगा हुआ है दो कार्बन की चेन और एक तरफ तीन कार्बन की चेन, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम पेरेंट एल्केन मानेंगे, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन की और इसको फिर हम एल्काइल ग्रुप यानी कि इथाइल ग्रुप मानेंगे, तो नाम इसका हो जाएगा एन के साथ, क्योंकि अमीन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, तो एन इथाइल, और एमीन के साथ में लगा हुआ है पेरेंट एल्केन प्रोपेन, तो एमिनो प्रोपेन। तो ये सेकेंडरी अमीन का था। इसके बाद टर्शरी अमीन और सेकेंडरी अमीन भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो उसको बता देती हूँ। टर्शरी अमीन जो होते हैं वो तीन तरफ से बॉन्डिंग में जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से, जैसे सेकेंडरी अमीन में दो बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं बीच में, और यहाँ टर्शरी अमीन में तीन तरफ से कार्बन चेन से ये एमिनो ग्रुप जुड़े होंगे। तो जैसे सेकेंडरी अमीन में सिर्फ एक एन आता है, यहाँ पे टर्शरी अमीन में दो दो एन आएंगे जब हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH3 NCH3
CH3। तो आप देख रहे हैं कि ये अमीनो ग्रुप है, तीन तरफ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों में से जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें से एक लॉन्गेस्ट चेन वाले को तो हम पेरेंट एल्केन मानेंगे। तो अभी यहाँ पे तीनों में ही इक्वल नंबर के कार्बन है, तो हम इनमें से तीनों में से किसी एक को भी हम पेरेंट एल्केन मान लेंगे। तो मान लिया हमने ये पेरेंट एल्केन है, बाकी के दो जो बचे हुए हैं उनको मानेंगे हम एल्काइल ग्रुप, जिनको हम एन एन के साथ में लगा के शो करेंगे। तो हम किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि एन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए हम एन को जो है दो बार लिखेंगे, एन कॉमा एन। अब क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए एन कॉमा एन लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद डाई, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल। अब जो पेरेंट एल्केन है उनका नाम क्या है, एमिनो मिथेन, ये नाम हो जाएगा। अब मान लिया दिया हुआ है एग्जाम्पल CH3 CH2 एन CH2 CH2 CH3 CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो तीन कार्बन एटम की चेन है, एक तरफ दो कार्बन एटम की चेन है, और एक तरफ एक कार्बन एटम की चेन है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको तो हमने मान लिया पेरेंट एल्केन, तो यहाँ पे हमने इसको तो पेरेंट एल्केन मान लिया, बाकी का एक दो कार्बन एटम की और एक एक कार्बन एटम की, तो ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो इनका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जब हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो ABCD में जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले ग्रुप आ रहा होता नाम, हम उसका पहले लिखते हैं। तो इथाइल जो है वो मिथाइल से पहले आता है, तो हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल, और उसके बाद पेरेंट एल्किन का नाम एमिनो प्रोपेन। ये इनका नाम हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, CH2 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 CH3। ये एग्जांपल दिया हुआ है, देख रहे हैं आप कि तीनों तरफ ही जो है दो दो कार्बन एटम की चेन लगी हुई है। दो दो कार्बन एटम का मतलब ये हो गया कि एक को तो हम पेरेंट एल्किन मान लेंगे, बाकी का जो दो चेन लगी हुई है उनको क्या मानेंगे हम, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ दोनों ही सेम मिथाइल हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, एन कॉमा एन। अब दो लगे हुए हैं इसलिए डाई सॉरी इथाइल एमिनो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और बताती हूँ आपको जिससे और क्लियर हो जाए। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ दो तरफ का तीन तीन कार्बन एटम की चेन है और एक तरफ दो कार्बन एटम की चेन है। तो जो तीन तीन वाली है उसमें से एक को तो एक लॉन्गेस्ट चेन को तो हम पेरेंट एल्केन मान लेंगे, और एक बाकी के जो दो बचे हुए हैं उनको हम एल्काइल ग्रुप मान लेंगे। तो हमने ए यहाँ पे प्रोपाइल दिया हुआ है, तीन कार्बन एटम के जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको प्रोपाइल बोलते हैं, और दो वाले को हम इथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोपाइल बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है और पी बाद में आता है। तो इसका जो जो हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, एन इथाइल एन प्रोपाइल और एमिनो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा।
तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बन एटम, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी वो हमें देख लेनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट एल्केन मान लेंगे। उसके अलावा जो साइड चेन दी होंगी तो वो जितनी भी साइड चेन होंगी उनका नाम लिख के हम उनका नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे जो एमीन्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ये नोमेनक्लेचर पूछ लिए जाते हैं। तो अभी ये सिर्फ एक एक ग्रुप वाले आपको बता रही हूँ, उसके बाद जब मिक्सिंग वाले आएंगे तो पहले जब आप एक एक ग्रुप वाले समझ लेंगे तो मिक्सिंग वाले भी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।